राहुल गांधी की 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के जिमन में नई दिल्ली में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर कांग्रेस कायदीन जय राम रमेश और दिग्विजय सिंह के अलावा सदर तेलंगाना कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी एमपी और साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने बलराम नायक को इस यात्रा के लिए रियासत तेलंगाना का कन्वीनर मुकर्रर किया है। भारत जोड़ो यात्रा इम्कान है कि अक्टूबर में कर्नाटक से तेलंगाना में दाखिल होगी और तकरीबन 15 असेंबली हल्का जात से गुजरते हुए महाराष्ट्र में दाखिल होगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की नफरत पर मबनी सियासत के खिलाफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अवाम में बिलालिहाज मजहब आपसी प्यार मोहब्बत अमन